I hope all are you can find at your home. Before starting our study, we will do prayer. So all of you ready for prayer? Join your hand and close your eyes. Now start slow. प्रवेश टेक्स्ट बुक ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 22। हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा? तीन वर्ण वाले शब्द बनाओ। सीखा था ना सबने? यस या नो? यस। आज हम क्या सीखेंगे? तीन वर्ण वाले शब्दों को लिखो। तीन वर्ण वाले शब्द हमें लिखना है। ओके, तो रेडी? सब रेडी हो? यस। पहले हम क्या करेंगे? शब्दों को रीड करेंगे। ओके, अ श र अक्षर, उ द र उदर, उदर मीन्स पेट, उ प ज उपज, री श भ ऋषभ, क द म कदम, क र न करण, क म र कमर, क म ल कमल। रीड किया सपने? अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। ओके, इसके ऊपर हमें ट्रेसिंग करना है। राइट विथ मी, मेरे साथ ट्रेसिंग करो। अच्छे से ट्रेसिंग करना। ओके, लाइन टू लाइन। अ श र अक्षर, उ द र उदर, उ प
ज उपज री श भ ऋषभ। गुजराती में इसको रू बोलते हैं बट हिंदी में री बोलते हैं, ऋष ऋषि। ओके, ये आपको ट्रेसिंग करना है और यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क द म कदम, क बोल के लिखना बच्चों ताकि आपको रीडिंग करना है। र न करण, क म र कमर, क म ल कमल। ये आपको ट्रेसिंग करना है और यहाँ पे लाइन टू लाइन लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 24, पहले हम रीड करेंगे। ओके, क ल म कलम, क ल श कलश, ख र ल खरल, ग ग न गगन, ग र म गरम, च म क चमक, च र न चरण। चरण यानी हमारे जो पैर है ना, ये नीचे का भाग, उसको हम चरण बोलते हैं हिंदी में। ड ग र डगर, डगर मीन्स रास्ता। ओके, अभी हम लिखेंगे, पहले करेंगे ट्रेसिंग, बाद में हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, चलो लिखो मेरे साथ, ट्रेसिंग करो अच्छे से। क ल म, कलम मीन्स पेन होता है ना, उसको हिंदी में कलम बोलते हैं। ओके, क ल श कलश, पूजा में रखते हैं ना कलश। ख र ल खरल, ग ग न गगन, क ल म कलम। ये आपको बाकी का प्रैक्टिस करना है। ओके, और ये आपका होमवर्क पेज नंबर 25। ग र म गरम, च म क चमक, च र न चरण, ड ग र डगर,
ये आपको ट्रेसिंग करना है और यहाँ पे लाइनों में लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 26। पहले हम रीड करेंगे। ओके, द ह न, दहन, होली का दहन करते हैं ना हम, उसको बोलते हैं दहन। न ज र, नजर। न म क, नमक। न य न, नयन, आंखों को हिंदी में नयन बोलते हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से ट्रेसिंग करना है और रीड करके ही आपको लिखना है। रीड करोगे तभी आपको रीडिंग अच्छे से आएगी। शब्दों को रीड करोगे तभी तो आप सेंटेंस बना पाओगे ना, रीड कर पाओगे ना। ओके, द ह न, दहन, लाइन से बाहर नहीं निकालना है। ओके, ये ब्लू लाइन में ही लिखना है आपको। न ज र, नजर। न म क, नमक। न य न, नयन। ओके, ये आपको प्रैक्टिस करना है, शब्दों को रीड करना है और आपको यहाँ पर लिखना है। अभी ये क्या है पता आपको? सो रीड इंस्ट्रक्शन, चित्र देखो और शब्द लिखो। हमें चित्रों को देखना है और शब्द लिखना है। जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, नयन। तो हमें यहाँ कौन सा शब्द लिखेंगे? हिंदी में आंख को क्या बोलते हैं? न य न, नयन। ये क्या है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आगे पीछे, ये देखो, ये खरल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? खरल। ओके, लिखो स्टूडेंट, ये क्या है? नयन। तो हमें कौन सा शब्द लिखना है यहाँ पर? न य न, नयन। ख र ल, खरल, इसको क्या बोलते हैं? कलम। क, देखो लाइन से बाहर नहीं निकालना आपको भी। ल म, कलम। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? डगर। ड ग र, डगर, इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। अ क्ष र, अक्षर, इसको क्या बोलते हैं बताओ? कमल। क म ल, कमल, इसको क्या बोलते हैं? कलश। तो हम क्या लिखेंगे? कलश। क ल श, कलश, इसको क्या बोलते हैं? उदर। उ द र, उदर, इसको क्या बोलते हैं? देखो, दहन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दहन। द ह न, दहन। ये क्या है? उपज। उ प ज, उपज, यानी जो किसान हमारे लिए उगाते हैं ना, जो उगता है ना अन्न, उसको बोलते हैं उपज। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। ओके, चित्रों को देखना है और आपको शब्द लिखना है। थैंक यू।